मैं बात करूंगी छात्राओं पर। अभी राजस्थान में देखें तो दुष्कर्म के मामले में, बलात्कार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे है। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि राजस्थान पूरे इंडिया में पहला स्थान बनाए बैठा है, और वो भी कोई अच्छे काम में नहीं, शिक्षा, बेरोजगारी, ये रोजगार इनमें नहीं, बाकी दुष्कर्म, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार में। अभी आपने अलवर में थोड़े दिन पहले जो घटना देखी, उसमें एक मूकबधिर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और गैंगरेप हुआ है उसमें, और अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया है। उस पर भी SFI ने पूरे राजस्थान में, ये पूरे राजस्थान में प्रोटेस्ट किया है, उसका विरोध किया है, और जो दोषी पाए गए हैं, जो दरिंदे हैं, उनको पकड़ने की मांग की है और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। और आज के ही अखबार में आया है, ये आप देख सकते हो, अखबार की कटिंग है, इसमें प्रतापगढ़ का मामला है जिसमें महिलाओं के साथ गैंगरेप करते हैं और उसका वीडियो बना के वायरल करते हैं और उनको धमकी देते हैं कि अगर आपने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। उनसे वसूली करते हैं, इसके नाम पे पैसे वसूलते हैं और उनके साथ बार बार गैंगरेप किया जाता है, बार बार उनको डरा धमका के कि आपकी वीडियो है हमारे पास, उस तरह टॉर्चर करके उनको बार बार उनसे रेप करते हैं और पैसे वगैरह ऐंठने का काम करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार से, और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे भी सख्त, एकजुट होके लड़ेंगे, और हम उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार से कि इसके खिलाफ को ठोस कानून बनाए और इन पे रोक लगाए, आगे से ऐसी घटना ना हो और राजस्थान पूरे इंडिया में एक स्वच्छ राजस्थान के रूप में सामने आए। धन्यवाद।